अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीदें आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं लाई हूँ खाना बने आसान में एक और नई रेसिपी, जिसका नाम है चिकन बॉक्स पैटिस। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन बॉक्स पैटिस में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं मांडा पट्टी, मैंने दो मांडा पट्टी के लिए जिसके बॉक्स पैटिस मैंने इस तरह से कटवाए, ठीक है जी, आधा लिया है शिमला मिर्च चॉप और एक चौथाई लिए मैंने बंद गोभी चॉप। एक प्याली मैंने ली है चिकन में अदरक लहसुन डाल के इसको उबाल के रेशा कर लिया है। दो अदद बॉयल अंडे हैं, आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, एक चौथाई का चम्मच सफ़ेद मिर्च, दो चुटकी के करीब चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच अजीनोमोटो, आधा चाय का चम्मच सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक खाने का चम्मच चिल्ली सॉस और सादा नमक लेंगे हम अभी फ़िलहाल एक चौथाई। फिर चक्कियाँ अगर कम हुआ तो हम दूसरा डालेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं सब्जी को सोते करूँगी। एक चाय का चम्मच सिर्फ हम ऑयल डालेंगे, एक चाय का चम्मच। हल्का सा कढ़ाई को ये घुमाएं ताकि सब तरफ इसके तेल आ जाएगा। ये देखिए आप किस तरह से, ये देखिए। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, सोते करना है हमने। के साथ ही मैं बंद गोभी शामिल करूंगी। इसी हल्के से ऑयल में ये भी सोते हो जाएगा। दोनों चीज़ें सोते हो गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। वन टीस्पून फिर मैं ऑयल डालूंगी कि अब हम डालेंगे चिकन को। सब मसालों को मैं चिकन में शामिल करूंगी। सबसे पहले डालूंगी सोया सॉस, इसी लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अजीनोमोटो, चिल्ली सॉस का सब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चाय ये चाट मसाला शामिल करूंगी, नमक शामिल करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। और अब मैं शामिल करूंगी सब्जी। इसको भी मिक्स करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा ड्राई चाहिए। शेलो फ्राई होंगे, अगर अंदर ही इतना ऑयल होगा तो फिर वो फ्राई में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इस तरह ड्राई चाहिए।
साथ ही दो अंडे की सफेदी, जो हम अंडे बॉईल करके रखे थे उसकी सफेदी लेंगे, मैंने चॉप कर लिए, दो अंडे की सफेदी शामिल करेंगे, बॉईल सफेदी। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, आंच को करेंगे बंद और बॉक्स पर इसकी फिलिंग करेंगे। मैंने सॉल्ट इतना बचा लिया है, एक चौथाई चम्मच में भी पूरा नहीं डालने की ज़रूरत। चिकन पैटीज की फिलिंग की तैयारी करते हैं। रखने के बाद फिलिंग को रखना है इस तरह, फिलिंग थोड़ी भर के डालनी है। पहला जो टर्न करेंगे इस तरह करेंगे, दूसरा करेंगे इस तरफ से, हल्का सा आप आटे की लई बना लें, इससे ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है इस तरह। तरह हम सारे बनाएंगे। चिपक जाते हैं अच्छी तरीके से, खोलें करके एक आएगा इस तरह। रखने के बाद फिर हम रखेंगे फीलिंग, हमें सब कंप्लीट बना के फिर फ्राई करते हैं। मैंने आँच ऑन करके ऑयल को गरम रख दिया है, जैसे ही ऑयल थोड़ा और गरम होता है तो फिर हम फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करनी है हमें। एक साइड पक जाए फिर हम उसको पलटते हैं। बड़े लाइट से और हल्के फुल्के होते हैं ये बॉक्स पैटीज, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। एक साइड पक चुका होगा, आप देखते हैं उसको पलटा के, ये देखिए गोल्डन हो गए इस साइड पे, उनका सा पलटा लेते हैं। खेलिए फाइनली फ्राई हो गए दोनों साइड से, ये देखें दोनों साइड से हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं, चिकन बॉक्स पैटीज तैयार हैं। देखिए इतने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने हैं कि आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए आप, ये देखिए
अंदर से भी जूसी है, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बड़े लाइट से होते हैं, इसको ज़रूर बनाइएगा आप। और ये भी आज मैं आपको बता दूं कि आज किसी की फरमाइश है ये और मैंने पूरी कर दी है। जब वो मेरी रेसिपी देखेंगी तो वो समझ जाएंगी कि उनकी फरमाइश पूरी हो गई है। तो बहुत शुक्रिया आपका फरमाइश करने का। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।